हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। तो इंडियन किचन में आज मैं बच्चों की फेवरेट रेसिपी लेकर आई हूँ, मशरूम मैगी बर्गर। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन लेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच तेल लेंगे। हम बर्गर की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम मशरूम लेंगे, इसको घी में अच्छे से पकाएंगे। मशरूम को तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मशरूम नरम हो चुके हैं। अब इसमें हम हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे और इसको भी अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ऑरेगानो, इसको भी अच्छे से पका लेंगे। प्याज भी हमारे पक चुके हैं, अब इसमें हम पानी डालेंगे। और अपनी मैगी इसमें डाल देंगे। मैगी मसाला भी डाल देंगे। अब मैगी को तब तक पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। तो देखिए बर्गर की स्टफिंग तैयार है। अब इसकी हम टिक्की तैयार करेंगे। टिक्की तैयार करने के लिए हम इसको कोई फ्राई नहीं करेंगे। हम 3 एक जैसी कटोरी लेंगे, उसमें हम अपनी स्टफिंग को डालेंगे। तीनों कटोरी में 1 जैसी मैगी हम डाल देंगे। इसको अच्छे से दबा देंगे। जब ये ठंडी होगी तो ये टिक्की की अपने आप शेप ले लेगी। अब हम तवे पर बर्गर को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तवे पर हल्का सा ऑयल डालेंगे और सभी बर्गर को हल्का हल्का 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। देखिए बर्गर हमारे रोस्ट हो चुके हैं, हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसको हम तवे से उतार लेंगे। अब हम बर्गर को तैयार करते हैं। सबसे पहले हम व्हाइट मेयो डालेंगे। दूसरी तरफ हम घर में बनी हुई टमाटर की चटनी लगाएंगे। अब जो हमने टिक्की मैगी की टिक्की तैयार किया है उसके ऊपर रख देंगे। अब ऊपर खीरा और गाजर, आप कुछ भी रख सकते हो, प्याज, टमाटर, रेड सॉस। अब इसको कवर कर देंगे। तो देखिए हमारे टेस्टी सा मैगी मशरूम बर्गर की रेसिपी रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।